हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं उपमा की रेसिपी। उपमा सबके घर में बनाया जाता है ब्रेकफास्ट के टाइम पे, बट सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं मेरी उपमा की रेसिपी कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, हमने लिए सूजी, प्याज, शिमला मिर्च, सूखी लाल मिर्च थोड़ी सी, थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं और मूंगफली ली है। मैंने ली है करी लीफ थोड़ी सी, मटर, गाजर और थोड़े से चने की दाल। तो सबसे पहले जो है हम मस्टर्ड सीड डाल देंगे, तेल गर्म हो जाएगा हमारा, उसमें हम डाल देंगे मस्टर्ड सीड और जैसे ही वो थोड़ा सा पकेंगी उसके बाद हम डाल देंगे उसमें अनियन। प्याज को हम अच्छा से पका लेंगे, थोड़ा सा पकाना है, ज़्यादा उसको ब्राउन नहीं करना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे करी लीफ, ये एकदम फ्रेश करी लीफ थी, पेड़ से तोड़ के लाई थी मैं। और उसके बाद हमने डाल दिए सूखी लाल मिर्चें, मैंने इनको बीच में से ब्रेक कर दिया था, आप चाहें तो इसको पूरा का पूरा भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें ऐड करें ग्रीन चिली। ग्रीन चिली ऑप्शनल है क्योंकि कुछ लोगों के घर में ग्रीन चिली बच्चे नहीं खाते हैं, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। बस इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे, पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे चना, चने दाल। इसको सोक नहीं करा है, बस सिंपली चने की दाल मैंने इसमें ऐड कर दी है, इसी में पक जाएगी अच्छे से। और अब हम इसमें डाल देंगे वेजेस, मतलब सबसे पहले मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च, जिनको कि मैंने थोड़ा छोटा छोटा काट लिया है, थोड़ी सी मटर, यहाँ पे मैं फ्रोज़न मटर का यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप उसको भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हम डाल रहे हैं गाजर, ये दिखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि इतनी सारी वेजिटेबल्स हमने यूज़ कर ली है, ये हेल्दी बनने वाला है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पकाने के लिए मैंने इसमें यहाँ पे हाफ टेबल स्पून नमक का ऐड कर दिया है। नमक मैं बाद में यूज़ नहीं करूँगी, तो मैंने यहाँ पे ही नमक जो है वो यूज़ कर लिया है। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और हमारा जितनी देर में वो पक रहा है उतनी देर में हम जो है अपनी सूजी को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। वैसे लोग सूजी को रोस्ट नहीं करते हैं, पर अगर आप कर लेंगे तो उससे टेस्ट और अच्छा आएगा और ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है सूजी को, बहुत हल्का सा हमने 1 से 2 मिनट के लिए ही गर्म कढ़ाई में रखा है और बस ये रोस्ट हो चुकी है। इसको अब हमने हटा लेना है, तब तक कि हमारा ये जो हमारा प्याज सब्ज़ियाँ थी ये सब भी पक चुकी हैं अच्छे से, गाजर भी गल चुकी है और मटर भी। तो अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं पानी। मैंने जिस कटोरी में सूजी ली थी उसका मैंने 1/3 मतलब 1/3 पानी, मतलब 1 कटोरी सूजी है तो आप 3 कटोरी पानी लेंगे, मतलब ये मेज़रमेंट आपका रहेगा तो आपका हलवा बिल्कुल सही बनेगा, ये जो आपका उपमा है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और मैंने यहाँ गर्म पानी का यूज़ किया था, तो जैसे ही हमने ये सब किया उसके बाद हमने इसमें डाल देनी है, ऐड करनी है सूजी और सूजी को हमने इसमें अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको पकने के लिए रख दिया था, 1 से 2 मिनट के लिए बस हमें इसे पकाना है। और देखिए जो पानी था वो अच्छी तरह से सूजी में जा चुका है और हमारा हलवा बनके तैयार है। मैंने मूंगफली को और काजू को और किशमिश को हल्का सा तेल में रोस्ट कर लिया था, हल्का सा फ्राई कर लिया था, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1/2 नींबू, 1/2 लेमन मैं इसको ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए, थोड़ा सा इसमें टैंगी फ्लेवर लाने के लिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून शुगर। अगर आप चाहें तो ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप लेमन यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, टैंगी सा टेस्ट आ जाएगा थोड़ा सा, और शुगर। तो हम इसमें दोनों चीज़ मिलाने के बाद बस अच्छे से इनको मिला देना है और हमारा उपमा, हेल्दी उपमा बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।